केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर अपने पिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पांचवी बार मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से फिर एक बार भाजपा के उम्मीदवार के रूप में उतारा है। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा और देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से मोदी सरकार बनाएंगे। मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने पांचवी बार मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के रूप में उतारा है। पहले भी 4 बार हिमाचल की जनता ने हमीरपुर से कीर्तिमान बनाया है और अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से जहां हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को भी जीतेंगे, हिमाचल की चारों लोकसभा और हम देश में 400 सीटें जीतकर मोदी जी की सरकार बनाएंगे। तो आज से आप कैंपेन शुरू करेंगे चुनावी कैंपेन। पिछली बार आप 5 लाख क्या होंगे, आप 4 लाख से ज्यादा जीते, क्या इस बार रिकॉर्ड तोड़ोगे? कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है कि बेरोजगार, भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए मोदी जी की सरकार की स्थिरता निरंतरता बहुत आवश्यक है और देश की जनता ने देखा है कि कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ तो उसका लाभ मिलता है और 10 सालों में देश 10वें नंबर से 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बना, अब तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने की तैयारी है। हिमाचल की जनता के लिए क्या आज संदेश देने सर जा रहे हैं? हिमाचल की जनता से यही कहूंगा कि चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताएं और मोदी जी की सरकार बनाएं। हिमाचल मोदी जी का दूसरा घर है, हिमाचल ने जो मांगा मोदी जी ने वो दिया है और मोदी जी के बिन मांगे हिमाचल ने भी हर बार चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताई है। सर पिछली बार आप 4 लाख से जीते थे, कि आपको लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड होगा जिस तरह का जनसमर्थन आपको यहाँ पर मिल रहा है? देखिए, मैं कभी ये तय करके नहीं चलता कि कितने, ये जनता ही अपने आप इतना उत्साह, उमंग और जोश भर देती है कि हर बार एक नया कीर्तिमान बनता है। और इस बार भी आपने देखा विजय संकल्प यात्रा में उत्साह और जोश अद्भुत था, एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता था। इसका मतलब जनता ने कमर कस ली है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। केजरीवाल का ये कहना है कि अगर झाड़ू को वोट ना दिया गया तो उनको जेल जाना पड़ेगा, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग झाड़ू को आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। देखो, भ्रष्टाचारियों का स्थान जेल में होता है और कोर्ट ने उनको केवल 20 दिन के लिए जमानत दी है, वो भी अंतरिम राहत है कंडीशन के साथ कि आप अपने दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल्स नहीं कर सकते, इस घोटाले से संबंधित लोगों से मिल नहीं सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते और दो जून को आपको वापस जेल जाना पड़ेगा। और कल भगवंत मान जी कितना मुस्कुरा के कह रहे थे कि 2 तारीख को अरविंद जी जेल वापस जाएंगे।